आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। विधानसभा चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को दुरुस्त करने का कार्य जोरों पर चल रहा है। अब 30,000 से अधिक फॉर्म संख्या 6, 7 और 8 जमा हो चुके हैं। दो विशेष अभियान की तिथियां निकल चुकी हैं। 21 और 27 नवंबर को विशेष अभियान की तिथि है। मतदाता सूची का अपडेशन कार्य 1 नवंबर से शुरू हुआ है। जिले में अब तक करीब 30,000 फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या महिलाओं की है। विधानसभा बार प्राप्त फॉर्म संख्या 6, 7 और 8 की संख्या इस प्रकार से है। एतमादपुर विधानसभा सीट पर फॉर्म संख्या 6, 716 प्राप्त हुए हैं, जबकि फॉर्म संख्या 7, 503 और फॉर्म संख्या 8, 57 प्राप्त हुए हैं। आगरा कैंट विधानसभा सीट से फॉर्म संख्या 6, 2766, फॉर्म संख्या 7, 673 और फॉर्म संख्या 8, 51 प्राप्त हुए हैं। आगरा दक्षिण विधानसभा सीट पर फॉर्म संख्या 6, 3752, फॉर्म संख्या 7, 297 और फॉर्म संख्या 8, 47 प्राप्त हुए हैं। आगरा उत्तर विधानसभा सीट से फॉर्म संख्या 6, 2340, फॉर्म संख्या 7, 343 और फॉर्म संख्या 8, 66 प्राप्त हुए हैं। आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट पर सर्वाधिक फॉर्म प्राप्त हुए हैं, जिनमें फॉर्म संख्या 6, 5268, फॉर्म संख्या 7, 2319 और फॉर्म संख्या 8, 107 प्राप्त हुए हैं। वहीं फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां फॉर्म संख्या 6, 1866, फॉर्म संख्या 7, 733, फॉर्म संख्या 8, 129 प्राप्त हुए हैं। खैरागढ़ विधानसभा सीट पर फॉर्म संख्या 6, 2118, फॉर्म संख्या 7, 669 और फॉर्म संख्या 8, 193 प्राप्त हुए हैं, जबकि फतेहाबाद विधानसभा सीट पर फॉर्म संख्या 6, 1146, फॉर्म संख्या 7, 210 और फॉर्म संख्या 8, 72 प्राप्त हुए हैं। वहीं बाह विधानसभा सीट पर फॉर्म संख्या 6, 2292, फॉर्म संख्या 7, 1086 और फॉर्म संख्या 8, 115 प्राप्त हुए हैं। जिले में 13 नवंबर तक कुल 22,284 फॉर्म संख्या 6 प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 6,833 फॉर्म संख्या 7 और 837 फॉर्म संख्या 8 प्राप्त हो चुके हैं। 22,200 करीब हमारे फॉर्म 6 हैं अब तक और 6,822 करीब फॉर्म 7 आ गए हैं। लगभग 30,000 फॉर्म को आ गए हैं और हमारी आगामी जो 21 और 27 की हैं उनमें भी हमारा और बेहद अभियान रहेगा कि बड़ी बड़ी संख्या में फॉर्म 6, 7, 8 आ जाए, जैसे किसी कोई मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति और हॉस्पिटल न रहे। तो इसके लिए सभी SDMs को, सभी ERO को बहुत सेंसिटाइज किया गया है। अभी DM साहब ने बैठक ली थी, कल कमिश्नर साहब की बैठक इसी बात को लेके है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम जो जनपद में क्रियान्वित हो रहा है। इस समय जिला प्रशासन का मुख्य जोर युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ाने पर है, जिसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक 18 और 19 साल के युवाओं के 8,043 मतदाता रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त हुए हैं। वहीं मतदाता रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने वाली महिलाओं की संख्या 10,338 है। आप देख रहे हैं सभी गतिविधियाँ हमारे जनपद में बहुत अच्छी हैं। हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे सब जगह हमारे कार्यक्रम अपलोड हो रहे हैं और लोग उसे लाइक कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा आप लोगों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार पब्लिक में अच्छा है। हमने ग्राम लेवल पे चुनावी पाठशाला गठन किया है कि हर बूथ पे जो है जो 18 से 19 साल का नवजात मतदाता है अथवा महिलाएं हैं जिनका अभी तक नाम नहीं बढ़ पाया है, उन सबको हम डोर टू डोर कवर कर रहे हैं चुनावी पाठशाला के माध्यम से और उनको वोटर बना रहे हैं। इसी तरह हम ELC के माध्यम से स्कूल में बच्चों को प्रशिक्षित करके बच्चों के माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमने प्रयास किया है स्कूलों में वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड कराया है। 30 नवंबर तक BLO घर घर जाकर मतदाता सूची के अपडेशन का कार्य करेंगे। जिन मतदाताओं की मृत्यु हुई है या जो मतदाता किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। वहीं डुप्लीकेट यानी एक ही मतदाता के नाम दो जगह सूची में दर्ज हैं, ऐसे नाम हटाने के लिए भी फॉर्म प्राप्त हो रहे हैं। 1 जनवरी 2022 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे युवा भी मतदाता बन रहे हैं। विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।